हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। अज आपां रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ते उहदे बेसिक कंसैप्ट समझांगे। कल आपां रिफ्रैक्शन पढ़िया सी, उहनूं ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इंडैक्स की डिवीजन करना, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स मीनस रिफ्रैक्शन दे विच डिवीजन करना। देखो आप जी कल टर्म पढ़ी सी, उदे विच की सी कि कोई भी लाइट जब एक मीडियम तो दूसरे मीडियम च ट्रैवल करती है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो बेंड करती टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस फॉर्म की तरह से अपन दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस एंगल इज रिफ्रैक्टेड एंगल। अगर यह चल रही है, फॉर एग्जाम्पल यह चल रही है वी वन स्पिनर, ठीक, तो यह इधर गई वी टू स्पिनर, यदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स म्यू वन, यदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स म्यू टू। ठीक, फिर की आप लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आप किस फॉर्म लिख सकते हैं, म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन, फिर उही सेम जिमें आप पिछे किया सी, म्यू वन इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। ये आप जनरल टर्म पढ़ी सी, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। ठीक, फिर आप किया म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू। आप जनरल लिख देते हैं म्यू वन टू या म्यू म्यू लिखता है। ठीक है, ये आप एक जनरल टर्म पढ़ी थी, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट आप हूँ जी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स पढ़नी है, मीनस रेशियो जी पढ़नी है, आप किस फॉर्म पढ़नी है वो देखो। आप जी रेशियो पढ़नी है और इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पढ़नी है, मीनस म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इज ऑल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, अगेन दिस इज कॉन्स्टेंट, अगेन दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज अगेन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस टर्म इज अगेन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप उसे स्नेल्स लॉ पढ़िया सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लीयर, हूँ देखो अगर इन्होंने एक मीडियम सानू पता हो, फॉर एग्जाम्पल एक मीडियम एब्सोल्यूट मीडियम हो, फॉर एग्जाम्पल आप कर दी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये वैक्यूम सानू पता है कि हाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, वैक्यूम मीनस एब्सोल्यूट है, स्पीड फिक्स होगी 3 × 10⁸ मीनस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू म्यू। इस टर्म नूं आपां कहिंदे आं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लीयर, हूँ देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, जिहदे विच आपां नूं कॉन्फिडेंटली पता है, एब्सोल्यूटली पता है कि उहदी स्पीड की है फिक्स है, मीनस लाइट की वैल्यू फिक्स है, किन्नी हैगी है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लीयर, हूँ देखो ये तो सानू बेसिक टर्म्स पता चल गया, हूँ देखो नैक्सट जी आप टर्म करनी है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। की पढ़नी है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी,
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हम देखो फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखो, ए फॉर एग्जाम्पल साडा कोई ग्लास है, ठीक, इस ग्लास दे इत्थे आपां कोई मिरर लगाता, अंदर कितने मिरर फिट करता, ठीक है। हुण देखो इधरों की जिहड़ी लाइट आ रही है वो इत्थे टकराएगी, टकराने तों बाद वापिस गई, ठीक, ये टकराने तों बाद वापिस जाने तों बाद फिर तो टकराई फिर वापिस जाएगी, ठीक। इन्हों आपां कहिंदे आ ये देखो लाइट आई प्लेन मिरर दे टकराई, टकराने तों बाद फिर वो अपने पाथ नूं रीट्रेस करे, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਰੇ ਨੂੰ ਡੀ ਬੀ ਈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਿਊ ਵਨ ਇੰਟੂ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, म्यू वन इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। मीन्स म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। एक कदों कंडीशन लेनी है, when light travels from one medium to another medium, मतलब कि जब reflect नहीं कर रही, ठीक है, जब अपन इन्हें strike कर रहे हैं, ठीक है। उन देखो after reflection from mirror, reflect करने तो बाद, उन देखो mirror तो टकराने तो बाद ए incident हो जाएगी, ए के लिए हो जाएगी refracted ray। उन देखो फिर तो mu two इंटू एंगल कितना साइन आर इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आई, मीन्स वही सेम टर्म, ठीक, म्यू टू इंटू साइन आर इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आई, एक ही बन जाएगा साइन आर डिवाइड बाय साइन आई, मीन्स ए एंगल इंसिडेंट हो जाएगा, ए एंगल रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। देखो एक्चुअली की सी ए इंसिडेंट सी, पहले ए रिफ्रैक्टेड सी, हुन एदे विद रिस्पेक्ट टू ए इंसिडेंट हो जाएगा ते ए रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। मैं सिंबल चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, सिंबल आर दी जगह तुसी कुछ आर डैश लेट कर लो पर एंगल तो सेम ही होंगे, ठीक है। साइन आर ओवर साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन ओवर म्यू टू। हुन देखो साडे कोल दो इक्वेशन ने जो कि बिल्कुल सिमिलर ने, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों की रेशियो की होनी चाहिए थी, सेम है तो रेशियो की वैल्यू कितनी थी वन, मीनस ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए मीनस म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू म्यू वन अपॉन म्यू टू विच इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर इंटू साइन आर ओवर साइन आई, ये कट गया ये कट गया। हाँ जी म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन इनू इस फॉर्म लिख सकते हैं वन म्यू टू, ठीक, तो म्यू वन ओवर म्यू टू किवें लिखते हैं टू म्यू वन, ठीक है। यदा मतलब क्या होंगे वन म्यू टू तो ट्यू म्यू टू म्यू वन का, फॉर एग्जाम्पल वन म्यू टू है, यद मतलब होंगे टू सैकेंड मीडियम विद रिस्पैक्ट टू फस्ट मीडियम, टू विद रिस्पैक्ट टू वन, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ, ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਟੂ ਮਿਊ ਵਨ, ਟੂ ਸੋਰੀ ਮਿਊ ਟੂ ਅਪੋਨ ਮਿਊ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਮਿਊ ਟੂ, ਵਨ ਮਿਊ ਟੂ ਇੰਟੂ ਟੂ ਮਿਊ ਵਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ, ਮੀਨਸ ਵਨ ਮਿਊ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਅਪੋਨ 2 mu 1, this is called principle of reversibility for a plane mirror, ठीक है, plane mirror वास्ते, in case of refraction of light, light travel करती है from one medium to another medium, हम देखो जेडी अपन next term करनी है,
नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म जीडी करनी है अपन, दैट इज हुन देखो इन टर्म्स ऑफ अदर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो इलावा जी में फॉर एग्जांपल अपन लैम्डा पढ़या, लैम्डा का फार्मूला किसी का, लैम्डा इज स्पीड ऑफ लाइट इन सॉरी म्यू का फार्मूला पढ़या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट कॉन्स्टेंट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हूँ देखो अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना हो, कि लिखना हो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, हूँ याद करो मैं तुम्हें दसिया जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम तो दूसरे मीडियम में कि टर्म सेम रहती है, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम दैट इज रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्लियर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इन ऊपर लिख सकते हो दैट इज लैम्डा वन न्यू अपॉन लैम्डा टू न्यू, न्यू न्यू कट गए दैट इज लैम्डा वन डिवाइड बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हूँ देखो यदि को डेफिनेशन बन गई दैट इज रेशियो ऑफ लैम्डा मतलब वेवलेंथ इन मीडियम वन टू मीडियम टू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हूँ देखो यूनिट क्या होंगे, यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंट। हूँ देखो कॉन्स्टेंट क्यों, कॉन्स्टेंट ता करके क्योंकि देखो म्यू दे आपा किन्ने फॉर्मूले कितने, म्यू दे फॉर्मूले कितने कितना सीगा साइन आई ओवर साइन आर, क्लियर। ये कितना सी आपा साइन आई ओवर साइन आर, दूसरा की कितना है सेकेंड फॉर्मूला सीगा दैट इज वी वन ओवर वी टू विच इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, क्लियर। लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, हूँ सारे केसेस भी देखो एंगल का एंगल इज द यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ठीक है ये दोनों दोनों की हो गए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हूँ नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कितना आप वी वन ओवर वी टू एल टी माइनस वन डिवाइड बाई एल टी माइनस वन, दिस इज अगेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वेलोसिटी डायमेंशन के डिस्टेंस पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम L upon T means LT minus 1, L L कट गए, it is again dimensionless. So from all above, mu is a dimensionless quantity. Unit of refractive index is constant, or we can say sorry, constant is dimensionless. It is a dimensionless quantity. It is a dimensionless quantity. ठीक है dimensionless or unitless. हाँ जी हूँ देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केड़े-केड़े फैक्टर अफेक्ट करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो, ठीक है। सब तो पहला कि नेचर ऑफ द मीडियम या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, की लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, ठीक है केड़े-केड़े फैक्टर से डिपेंड करती है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द मीडियम, फर्स्ट किया गया नेचर ऑफ द मीडियम मीन्स मीडियम किस फॉर्म द मीडियम ले रहे हैं अपना, फॉर एग्जाम्पल आप ग्लास ले रहे हैं ठीक है या कोई होर मीडियम ले रहे हैं ग्लास के अलावा, ठीक है डायमंड ले रहे हैं केड़ा मीडियम ले रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। सेकंड इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ मींस आप किस केड़ी लाइट भेजते पे हैं उधरों की, ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप रेड कलर की भेजी है ब्लू कलर की भेजी है केड़े कलर की भेजी है हरे की वेवलेंथ अलग अलग हैगी है, ठीक। नैक्सट इज टेंपरेचर, टेंपरेचर के वधन या घटन के नाल स्पीड के उत्ते इफेक्ट पैंदा है, ठीक है वो तुसीं वैसे भी जानते हो अगर टेंपरेचर बता देंगे उन्होंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जी है वो वीक हो जाती है जिस करके वो मीडियम जो अगर डेंसर है तो वो रेयरर विच कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लास्ट इज नेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग्स का की नेचर है, ठीक है मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप एक मीडियम तो दूसरे मीडियम भेज रहे हैं वो दो तरह के नेचर से डिपेंड करती है, एक तो मीडियम के जो मीडियम भेज रहे हैं दूसरा वो सराउंडिंग्स से भी, ठीक है ये दो टर्म्स उत्ते डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप करना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्लेक्शन
through a rectangular glass slab. ਵੀ ਕੇਕਿੰਗ ਥਰੂ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲਰ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲਰ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਹੈ ਇਸ ਫੋਰਮ ਚ ਠੀਕ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਹੈ ਲਾਈਟ ਗਈ ਫਰੋਮ ਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਗਲਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਲਾਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਊ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਿਊ ਜੀ ਐਂਗਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਇਹਦਾ ਆਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਇਹ ਆਰ ਵਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰ ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਮਰਜੈਂਟ ਐਂਗਲ ਈ ਠੀਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗਲਾਸ ਲੈਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਫੋਰਮ 'ਚ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਲਿੱਤਾ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਦਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਏਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਜਦ ਏਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਏਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਊ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਈ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਰ ਠੀਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਏਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਜਦ ਏਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਸਾਈਨ ਆਈ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇ ਫਰੋਮ ਗਲਾਸ ਸੋਰੀ ਆਰ ਵਨ ਫਰੋਮ ਗਲਾਸ ਟੂ ਅਗੇਨ ਏਅਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਈ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਆਰ ਟੂ ਦੀਸ ਟੂ ਆਰ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਿਡ ਐਂਗਲ ਦੀਸ ਟੂ ਆਰ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਿਡ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਈ ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਰਜੈਂਟ ਐਂਗਲ ਇਮਰਜੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਏ ਬੀ ਏ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨ ਐਂਡ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਕਿਨੇ ਨੋਰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਿਡ ਰੇ ਰੀਫ੍ਰੈਕਟਿਡ ਰੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਏ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਡੀ
CD equal to emergent ray. Emergent means ending. Emergent ray. ते ये जड़ा E एंगल बन रहा है, इन्हों पर कहते हैं emergent एंगल, ये एंगल ऑफ इमरजेंस. क्लियर? हुन देखो, फ्रॉम ग्लास टू एयर मीन्स इधरों दी इस तरफ जा रही होवे, इहदा की बन जूगा G म्यू ए विच इज इक्वल टू साइन आर टू डिवाइड बाय साइन आर टू डिवाइड बाय साइन ए. हुन देखो इक्वेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये दोनों नु आपस मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करन तो पहले अगर ए ने एदे पैरेलल है, ये दोनों एंगल भी की होंगे R1 R2. अगर R1 R2 दे इक्वल आ जाए, व्हेन R1 इज इक्वल टू R2, फिर की आ जाएगा, ये दोनों नु डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई कर दो. ये मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, ए की बन जाएगी ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 अपॉन साइन ई. ठीक, हूँ देखो R1 R2 तो इक्वल है, एक कट होगी. क्लियर? हाँ जी, हुन देखो ए कट हो गए, साडे कोल की रह गया, इत्थे रह गया साइन आई ओवर साइन ई इज इक्वल टू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए. हुन देखो सानू पता है ए म्यू जी के इक्वल होंदा है, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए. ये अपन हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. नो अपन कहते प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है मींस ये दोनों का मल्टीपल क्यों होगा, इन्हें इतने मल्टीप्लाई करेंगे ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू यूनिटी. ये 1 दे इक्वल है, मींस ए साइड टर्म के दे इक्वल है, 1 दे इक्वल है. अगर ये साइड टर्म 1 दे इक्वल है मींस साइन आई ओवर साइन ई मींस साइन आई ओवर साइन ई इक्वल टू क्या दिया गया 1. साइन आई ओवर साइन ई इक्वल टू 1 मींस साइन आई साइन ऑफ आई इंसिडेंस इक्वल टू साइन ऑफ ई. अगर आई साइन आई साइन ई दे इक्वल है, इधर मतलब आई एंगल के दे इक्वल आ गया emergent angle दे, means this angle is equivalent to this angle. clear हो रही है term? हाँ जी, हम देखो अपन जो term कितनी है, उसे जब अपन proof की कितने गए कि जड़ी ये last ray आ रही है, this is parallel to this ray, means a angle दे equal आ रहा है, but हाँ a laterally displaced हो रहा है, a क्यों रहा laterally displaced? हम वही term में देखो, the emergent ray means CD जड़ी last वाली है, this emergent ray, this is called the emergent ray. This emergent ray CD is parallel to the incident ray. ये देखो, ये दे parallel आ रही है. This is the incident ray. ये incident ray दे बिल्कुल parallel है. This emergent ray is parallel to this incident ray. Emergent ray is parallel to incident ray. ये देखो, emergent ray is parallel to incident ray AB. But it has laterally displaced. This is the laterally displacement. अगर ये ग्लास स्लैब ना होंदा तो ये बिल्कुल सीधी जानी सी, पर हुन किवें जा रही है, हुन ये लेटली डिस्प्लेस हो रही है, मीन्स एदी ये ए पोजिशनिंग इत्थे शिफ्ट कर गई है. ठीक है, बट इट हैज लेटली डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंसीडेंट रे, विद रिस्पेक्ट टू द इंसीडेंट रे, इस इंसीडेंट रे दे विद रिस्पेक्ट टू लेटली डिस्प्लेस्ड हुई है, मीन्स दिस शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट. ये जड़ी शिफ्ट हो रही है, this shift in the path of light on emerging from the refracting medium means ye jehdi shifting aa rahi hai, ye jehdi shifting aa rahi hai, theek hai, us unnu kive shifting ho kive rahi hai, this is parallel to the incident ray, ye jehdi shifting aa rahi, this is parallel to the incident ray, us incident ray de parallel jehdi shifting ho rahi hai unnu apan kehnde lateral shift,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये है कि ये फिर तो देखो, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता, ये जिहड़ी रे सानू दिख रही है, ये आ रही है रे, ये किवें लगती? बिल्कुल सीधी जांदी। बट ये ग्लास स्लैब दे करके ये रे की करी है, बेंड करी है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ते ये लास्ट विच की हो रही है, पैरेलल जा रही है जिहड़ी आपां इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीती, बिल्कुल स्ट्रेट ये जिहड़ी सीधी आनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟਰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਰ ਲੈ ਲਾ, ਪੌਂਡ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫੋਰਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਲਿਆ ਫੁੱਲ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਜਿਹਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਉਸ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਸ਼ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ, ਅਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮਸ ਇਨ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ? ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਨਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਸਨਸੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਸਨਸੈਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
during sunrise. The after sunset. देखो दो दो मिनट का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग सनराइज से आफ्टर सनसेट। दो मिनट पहले भी सानू सन, दो मिनट पहले दिखते हैं, देखो सनराइज होने तो दो मिनट पहले ही सानू दिखना शुरू हो जाता है, ते सनसेट होने तो दो मिनट बाद भी सानू दिखता है। उदी भी सेम की रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हुण देखो वो क्यों है, उधर कारण की है, ठीक है। हुण मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि लाइट जिहड़ी है बड़ी अलग अलग तरह बिहेव करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिम्मे फॉर एग्जाम्पल फिश वाली एग्जाम्पल दसी थी मैं तुम्हें, उसके किसी फिश जिस पॉइंट से सी सू उस तो उपरली पॉइंट से दिखती भी है, ठीक है। सिमिलरली ए सन भी जेड़ा ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखो यदा होरिजन है, यदा होरिजन है, ठीक है। हूँ देखो अगर सन इतने होगा, अगर सन इतने होगा बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इस फॉर्म च इतने लेयर्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट्स, लाइट जी एक मीडियम तो दूसरे मीडियम से ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। सानू दो मिनट पहले ही ये सन जेड़ा अपनी पोजीशन तो दिखना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो मिनट पहले, दो मिनट पहले, दो मिनट बाद इतने पहुंचूगा एक्चुअल च, पर सानू दो मिनट पहले ही इस पोजीशन से दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट जी है एटमोसफेयर की रिफ्रैक्शन के करके बेंड होकर आ रही है, ठीक है। और सेम एग्जाम्पल अपने दिमाग च रखनी है, जी फिश वाली सी जिन्हें फिजिक्स पढ़ी हुई सी, वो एक्चुअली किसी नीचे सी, पर परसन की लग रहा है कि वो थोड़ी हाइट थे उस तो, जिस करके जिम्मे हाथ पाता से वो पकड़ नहीं पा रहे से उन्हों, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह की एग्जाम्पल है। हम दूसरी साइड चले जाओ, आफ्टर सनसेट, सनसेट होने तो बाद इतने पहुंच गया, ठीक है। हम देखो जब ये नीचे पहुंचूगा तो भी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये सानू एक्चुअल पोजिशन तो कुछ हाइट से लगेगी, जिमें वह अपनी एक्चुअल पोजिशन तो, जिमें यह अपनी एक्चुअल पोजिशन तो कुछ हाइट से दिख रही थी सानू। सिमिलरली जब ये नीचे भी चले जाऊगी ये सानू अपनी एक्चुअल पोजिशन तो कुछ हाइट से दिखेगी, मतलब होरिजन तक दिखेगी। इधर जो डिफरेंस आता है जो कैलकुलेट किया हुआ दैट इज टू मिनट बिफोर, टू मिनट बिफोर एंड टू मिनट आफ्टर, ठीक। दो मिनट पहले या दो मिनट बाद सानू ये दिखते गए, ठीक है। ये सीगियां इहदियां कुछ एग्जाम्पल्स। हुण देखो अज दे विच अज जो भी आपां टॉपिक पढ़े उहदे विच बेसिक बेसिक कंसैप्ट की पढ़े है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे लॉस पढ़े है, ते उहदे न्यूमेरिकल्स कीते ते उहदियां डे टू डे लाइफ दियां एग्जाम्पल्स कीतियां है, लेटरल शिफ्ट पढ़े, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कीती है, ठीक है। ते जिहड़े न्यूमेरिकल्स कीते जिहड़े मैं तुहानूं होमवर्क दित्ते है, अगर उहदे नाल रिलेटेड तुहानूं कोई भी डाउट या क्वेरी होगी, ठीक है, और तुसीं साडे व्हाट्सएप नंबर ते पूछ सकदे हो। इस दे नाल ही धन्नवाद।